अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आमिर मीना और इसको मौजूदा हफ्ता 23 फरवरी ता 1 मार्च 2015 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज मीजान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ताला जोहरा 23 फरवरी को मरीज से करान की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपकी तकलीफ की सलाहित निकलने के अलावा मुश्तरका उमूर में भी आपकी तवज्जो या रुझान बढ़ सकेगा। 24 और 25 फरवरी को जोहरा जोहल तसलीस की वजह से आपकी ईमानदारी और फर्कशनासी जो है वो खासी काबिल तवज्जो होगी, आपके फायदे में रहेगी, जबकि आपकी कदर मंजिलत में इजाफा का बाइस भी बन सकेगी। इसकी वजह से ये सारे मामला जब इकट्ठे होंगे तो फिर आपका हल्का एहबाब भी वसत इख्तियार कर पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 फरवरी को जज्बाती नियत के उमूर में आप दानिशमंदाना जो फैसले हैं उनको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। 24 फरवरी को आपको जो है हक और इंसाफ का साथ देना चाहिए और आप जब साथ देंगे तो यकीन ये सारा कुछ भी आप ही के फायदे में जाएगा। 25 फरवरी को ऐसे अफराद जो किसी जिस्मानी या नफसियाती मर्ज में मुबतला हैं और उनका ताल्लुक जो है बुर्ज मीजान से, यकीन उनको काफी ज्यादा जो अफाका या रिलैक्स जो है वो अपने आप को फील करेंगे, उनकी सेहत खासी बेहतर हो सकेगी। 25 फरवरी को माली और 26 फरवरी को आपके माली और माशी मामला जो है यकीनन उनमें बेहतरी आएगी और जो पहले से आपने मेहनत की होगी यकीनन उसके सम्राट या उसके जो फल हैं वो आप तक पहुंच पाएगा, आप उससे अच्छी तरह से लुत्फंदोज हो पाएंगे। 27 फरवरी को आपको कोई नया काम करना या अपने कारोबार में वसत लाने के लिए कुछ मजीद सरमायाकारी करना या कोई इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बेहतर रहेगा। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहें तो यकीनन वो आप 27 फरवरी को कर पाएंगे। 28 फरवरी को कुछ छोटे या मुकामी जो है वो सफर आपको पेश आ सकेंगे, मुताला का शौक बढ़ सकेगा, लेकिन किसी तवील सफर की अभी प्लानिंग मत कीजिएगा या ऐसा कुछ सफर आ जाए तो उसको इख्तियार नहीं कीजिएगा, थोड़ा डिले कर दीजिएगा। 1 मार्च को जमीन जायदाद की खरीद और फरोख्त के सिलसिला में आपके लिए 1 मार्च का दिन जो खासा पॉजिटिव या साथ साबित हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात के हामिल दिन जो है वो 25 और 26 फरवरी और 1 मार्च, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो वो 27 और 28 फरवरी के साबित हो सकते हैं। इन दो दिनों में खासतौर पर मौका दीजिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीज 21 से 28 फरवरी जगह छठे घर में रहते हुए आपको सेहत के बारे में थोड़ा अलार्मिंग सूरत हाल जो है वो सामने ला सकेगा और आपको भी थोड़ा इंटीमेट करेगा कि बी केयरफुल, और इसके साथ साथ आपको अपने मातहत अफराद से ज्यादा तवक्कात वाबस्ता नहीं करनी चाहिए वरना मायूसी आपके सामने आएगी जिसकी वजह से आपका दिल भी टूट सकता है, बड़ा नाजिक होता है ना, इसलिए दिल टूटने से अपने आप को बचाइए, हर्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि ये आपके जो सुबाड़ी मिनट है उनकी वजह से कुछ ऐसा मामला भी हो सकता है। 23 फरवरी को जोर मरीज करान की वजह से सेहतमंद तफरी और तकलीकी कामों में आपका रुझान बढ़ सकता है, जबकि मुश्तरका उमूर के जो मामला अगर कुछ लोगों ने शुरू किया हुए तो वो भी आपके लिए खासे फायदेमंद साबित हो सकेंगे। 26 और 27 फरवरी को मरीज जोर तसलीस के बाद आपके जो कारोबारी और करियर जो है मुतलका मामला तो उनमें आप पॉजिटिव जो चेंजेस ला सकेंगे, इसके साथ सब्र तहम्मुल और मुस्बत हिकमत अमली से यानी डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करेंगे, थोड़ा पैशनेट होंगे तो आप अपने मामला को बआसानी जो है पाए तकमील तक पहुंचा सकेंगे, यकीन कामयाबी आपको मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 फरवरी को बासर जो अफराद हैं उनसे आपकी मुलाकात मुमकिन हो पाएगी। 24 फरवरी को आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। 25 फरवरी को कानूनी और शराकती उम्र में आपको हतुल इम्कान कामयाबी नसीब हो सकेगी। 26 फरवरी को बचत या इंश्योरेंस के कामों में हिस्सा लेना आपके लिए बेहतर रहेगा, माली तौर पर फायदेमंद रहेगा। 27 फरवरी को अजीज कारोब और रिश्तेदारों से तजदीद मरासम हो सकेगी, थोड़ा सा जो गड़बड़ है वो खत्म हो जाएगी और आप दोबारा से एक ही पॉइंट पे एक ही जगह पे आप इकट्ठे हो सकेंगे। 28 फरवरी को बहन भाइयों से इख्तलाफात जो दूर करने का मौका मिल सकेगा। 1 मार्च को अगर कोई सफर आपको पेश आ जाए तो दौरान सफर आपको अपने सामान की खास तौर पर हिफाजत करना होगी वरना थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है, कुछ पेपर और कोई जरूरी चीजें आपके आगे पीछे हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल 27 और 28 फरवरी, जबकि मनफी असरात के हामिल 23 और 24 फरवरी के साबित हो सकते हैं। बुर्ज कॉस
सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर आप मुश्तरी तमाम मजा चुके नौवें घर में रुजत के हालत में रहते हो, आपके रूहानी उमूर में खामखा की रुकावटें पैदा करने के अलावा आपके बैरून मुल्क सफर में वक्ती ताखीर का बायस भी बन सकता है। ऐसे में आपको आला तालीम के उसूल में इजाफी मेहनत की जो एक्स्ट्रा लेबर थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा आपको, तो इस तरह की मेहनत अगर करेंगे तो यकीन कामयाबी आपको मिल पाएगी। जबकि आपके मुखलिस जो दोस्त अहबाब हैं वो आपसे तामन जारी रख सकेंगे। 24 और 25 फरवरी को जोहरा जोहल तसलीस की वजह से आपकी माली मुश्किलात जो है उनका खात्मा मुमकिन हो पाएगा, जबकि कुछ नए एग्रीमेंट्स कुछ नए मुआहदे आप कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 फरवरी को खुद इतमादी से काम लेकर आप कुछ नए बड़े जरूरतमंदान इकदाम कर पाएंगे और जिसको दूसरे लोग कारहाए नुमाया कह सकेंगे। 24 फरवरी को मुखलिस दोस्त अहबाब और अपने बुजुर्गों का तामना आपको हासिल रहेगा। इसके साथ साथ 25 फरवरी को अपनी आमदनी में इजाफा के लिए आप जो कोशिशें कर रहे होंगे यकीनन आपको कामयाबी मिल सकेगी। 26 फरवरी को कर्ज देने या लेने से इजतनाब बरतिएगा। 27 फरवरी को हम सायाओं बहन भाइयों और या अपने दोस्त अहबाब जो करीबी हैं उनसे इख्तलाफ दूर करने की जरूरत है वो आपके सामने आ सकेगी। 28 फरवरी को किसी अजीज या करीबी दोस्त से आपके ताल्लुकात जो थोड़ा कशीदा हो सकते हैं। 1 मार्च को अपने आपके मातहत जो काम करने वाले अफराद हैं उनका तामन आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर 7 असरा का आम दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़कर थोड़ा सा केयरफुल जो है दिन है वो 25 और 26 फरवरी के साबित हो सकते हैं। इन दो दिनों में मामूल से बढ़कर मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते का इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम से हुआ।